नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान GK से संबंधित होने वाली है। राजस्थान GK में दोस्तों अपन प्रश्नोत्तरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी दोस्तों नवीनतम अपडेट 2024 के साथ में, ठीक है। और जो भी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, जिला दर्शन के अनुसार अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों अपन ने जयपुर संभाग के बारे में डिस्कशन करना प्रारंभ किया था, जिसमें दोस्तों सबसे पहले अलवर के बारे में डिस्कशन किया था। अलवर के बाद में दोस्तों जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद में दौसा के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और आज की वीडियो दोस्तों अपने दूदू जिले से होने वाली है, ठीक है। दूदू जिले से होने वाली है और वीडियो नंबर 13वें नंबर की वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहले क्वेश्चन अपने सामने है। राजस्थान के किस जिले का पुनर्गठन कर दूदू जिले का गठन किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका दोस्तों पुनर्गठन किया गया और उसके बाद में दूदू जिले का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपुर जिले का पुनर्गठन करके दूदू जिले का गठन किया गया, ठीक है। दूदू जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में जो प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है वो कौन सा गांव हो जाएगा? नया गांव दूदू के अंदर स्थित है, ठीक है। नया गांव दूदू में स्थित है, जो कि दोस्तों पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है, ठीक है। सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सौर ऊर्जा की दृष्टि से दोस्तों जर्मनी का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। सौर ऊर्जा की दृष्टि से विश्व में दोस्तों सबसे पहला स्थान किसका? जर्मनी का है। और सौर ऊर्जा की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है सौर ऊर्जा की दृष्टि से, और दूसरा स्थान है गुजरात का, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति जो आई थी दोस्तों 2011 में आई थी, और नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति आई दोस्तों वो कब आई? 2014 के अंतर्गत दोस्तों नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सौर ऊर्जा नीति को लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, और राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गोरमघाट है, जो कि दोस्तों अजमेर मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? गोरमघाट, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रेलवे अजमेर रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित ATM कहाँ पर दोस्तों? राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित ATM है मोहनपुरा जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है, ठीक है। और सौर ऊर्जा संचालित मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर डेयरी में लगा हुआ था, ठीक है। सौर ऊर्जा संचालित मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर डेयरी में लगा हुआ है। और भारत तथा राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर ग्रामीण जिले में दोस्तों बालेसर उच्च प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में स्थापित किया गया है। और राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गाँव कौन सा हो जाएगा? नया गाँव दूदू में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अमीर अली शाह की दरगाह हो जाएगी दोस्तों, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर अली शाह की दरगाह है दूदू के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील दूदू जिले के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी तहसील है जो कि दूदू जिले में नहीं आती है? तो ये दोस्तों आंधी जो तहसील है ये दूदू जिले में नहीं आती है, बाकी फागी, मोजमाबाद और दूदू, ये जो तीन तहसीलें दोस्तों जिनको तीन उपखंड के नाम से भी जाना जाता है, दूदू जिले में दोस्तों तीन तहसीलें और तीन उपखंड है, ठीक है। और आंधी जो तहसील है दोस्तों ये अपने जयपुर ग्रामीण से संबंधित होगी, तो ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा दूदू जिले से नहीं लगती है? तो यहाँ पे दोस्तों दूदू जिले के साथ में सीमा बनाने वाले जो गाँव, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं? टोंक है, जयपुर ग्रामीण है और अजमेर है, ठीक है। डीडवाना कुचामन दोस्तों ये दूदू जिले के साथ में सीमा नहीं बनाता है। और अपन इसकी बात करें दोस्तों, दूदू जिले के अंतर्गत तीन उपखंड है और तीन ही तहसील है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजमेर के कछवा शासक मानसिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अजमेर के कछवा शासक की बात करें दोस्तों, इस मानसिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ दोस्तों मोजमाबाद में, ठीक है, मोजमाबाद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कछवा शासक मानसिंह प्रथम के पिता का क्या नाम है? तो कछवा शासक दोस्तों मानसिंह प्रथम के पिता का नाम हो जाएगा भगवान दास, ठीक है। इनके पिता का नाम है दोस्तों भगवान दास और इनकी माता का नाम है दोस्तों भगवती बाई, ठीक है। भगवान दास और भगवती बाई इनके माता पिता का नाम है, और इनका जन्म हुआ था 1550 के अंतर्गत मोजमाबाद में, और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1600
14 में, ठीक है, कहाँ पे हुई, एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। और अकबर ने दोस्तों इनको फरजंद की उपाधि भी प्रदान की थी, ठीक है। और अकबर ने दोस्तों मानसिंह को 1567 में अपने दरबार में दोस्तों सर्वोच्च पद यानी कि मनसबदार प्रदान किया था। कब किया था दोस्तों, 1567 के अंतर्गत अपने जो मतलब कि दरबार था उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो मनसब दिया गया दोस्तों किसको दिया गया, मानसिंह प्रथम को दिया गया, ठीक है। वो कितना मनसब दिया गया दोस्तों, 7000 का मनसब दिया गया। और मानसिंह को मतलब कि काबुल की सूबेदारी 1585 में मिली थी। और इसके बाद में दोस्तों मानसिंह की जो सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्होंने 1594 के अंतर्गत, ठीक है, 1594 के अंतर्गत 1594 में दोस्तों बंगाल का सूबेदार बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूतों की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो भूतों की बावड़ी कहाँ पर स्थित हो जाएगी, मोजमाबाद में स्थित है, ठीक है, मोजमाबाद में दोस्तों भूतों की बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में आधार कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान में जो आधार कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो कहाँ से हुई थी, दूदू जिले से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छापरवाड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, तो छापरवाड़ा बांध कहाँ पर स्थित हो जाएगा दोस्तों, ये भी दूदू में स्थित है, ठीक है, छापरवाड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, दूदू के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट देखिए, देश का प्रथम ई सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो देश का प्रथम ई सेवा केंद्र की बात करें दोस्तों ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम ई सेवा केंद्र है दूदू के अंतर्गत, ठीक है, दूदू में यहाँ पर प्रथम ई सेवा केंद्र स्थित है। पद्मश्री 2023 से सम्मानित लक्ष्मण सिंह का संबंध किस गांव से है, तो दोस्तों पद्मश्री 2023 से सम्मानित लक्ष्मण सिंह का संबंध किस गांव से है, तो यह दोस्तों लापोडिया गांव से, ठीक है, लापोडिया गांव से संबंधित है लक्ष्मण सिंह, जिनको दोस्तों 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और इनका दोस्तों कार्य क्या था, तो कार्य था दोस्तों मतलब कि अपना जो मतलब कि गाँव है दोस्तों, गाँव में जो तालाब है, तालाब का जो पानी है उसके द्वारा मतलब कि जो जंगल है, जंगल को हरा भरा करना इनका मतलब कि कार्य था, ठीक है। लापोडिया गांव से संबंधित है लक्ष्मण सिंह, जिनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, 52 परिवारों की हवेली व न्याय का चबूतरा कहाँ पर स्थित है, तो न्याय का चबूतरा और 52 परिवारों की हवेली दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, मोजमाबाद में स्थित है, ठीक है, मोजमाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल कहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल की बात करें दोस्तों ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूदू के अंतर्गत, ठीक है, दूदू में राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल स्थित है। नेक्स्ट देखिए, महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा की तपस्या स्थली कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे दोस्तों महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा की तपस्या स्थली कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगी दोस्तों चोरू गांव, सॉरी साकुन गांव में, ठीक है, साकुन गांव में यहाँ पे दोस्तों इनकी तपस्या स्थली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संत धन्ना भगत की जन्मस्थली कहाँ पे है, तो संत धन्ना भगत की जन्मस्थली की बात करें दोस्तों इनका जन्मस्थली कहाँ पे हो जाएगी, ये चोरू में स्थित है, ठीक है। और महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा की तपस्या स्थली कहाँ पे थी दोस्तों, साकुन में, ठीक है, उनकी तपस्या स्थली साकुन में। और संत धन्ना भगत की जन्मस्थली कहाँ पे, चोरू में। नेक्स्ट देखिए, दूदू जिले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो दूदू को फरवरी 2023 में दोस्तों नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी, 17 मार्च 2023 को दूदू को जिला बनाने की घोषणा की थी। दूदू में दोस्तों 3 तहसीलें और 5 उपखंड है दोस्तों, तो ये ऑप्शन अपना गलत है, दूदू में 3 तहसीलें और 3 ही उपखंड स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन अपना गलत है। बाकी दूदू एक अंतर्वृत्तीय जिला है जिसकी सीमा लगती है दोस्तों अजमेर, टोंक और जयपुर ग्रामीण से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दूदू जिला किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, ये मतलब कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये अपने राजस्थान का मैप मान सकते हैं दोस्तों, ये अपने उत्तर, एक मिनट यहाँ से आप ये राजस्थान का मैप मान सकते हैं, जिसमें दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ये अपनी रेखा है। और ये मैप है और ये उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम हो गया। और इसमें दोस्तों जो BW HW का जो क्षेत्र है ये अपना उत्तर
पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। और BSHW की बात करें दोस्तों, BSHW ये BSHW दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और CWG की बात करें दोस्तों, CWG अपना ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, CWG। और AW की बात करें दोस्तों, ये AW ऑलरेडी इसके अंतर्गत ही आ रहा दोस्तों, दक्षिण पूर्व के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दोस्तों दूदू जिला कहाँ पे है, तो दूदू जिला अपना जयपुर के पास में स्थित है, जयपुर ग्रामीण अजमेर और टोंक के बीच में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, CWG में आएगा ये। दूदू जिला किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, तो दूदू जिला की बात करें दोस्तों, कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है, ये आता है दोस्तों थर्ड ए के अंतर्गत, ठीक है, थर्ड ए में दोस्तों दूदू जिला आता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसको ग्राम पंचायत से सीधा जिले का दर्जा मिला है, तो दोस्तों राजस्थान में वो ऐसा जिला जो कि पहले ग्राम पंचायत था उसके बाद में डायरेक्ट जिला बन गया, वो कौन सा जिला है, दूदू जिला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूदू जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पे दोस्तों केवल एकमात्र विधानसभा सीट है दूदू से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, फागी का प्राचीन नाम क्या है, तो फागी की बात करें दोस्तों, फागी एक मतलब कि दूदू जिले की तहसील है, उपखंड भी कह सकते हैं दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, हीरपुर, ठीक है, हीरपुर कह सकते हैं। या दोस्तों ये राजस्थान की मतलब कि अयोध्या नगरी के नाम से भी जानी जाती थी फागी, जिसको हीरपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन आज का दोस्तों, राजस्थान में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण शाकुन रेलवे स्टेशन में दोस्तों अजमेर के मध्य कब किया गया, तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है दोस्तों, इसका निर्माण शाकुन रेलवे स्टेशन से अजमेर के मध्य कब किया गया, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 दिसंबर 2018 को दोस्तों इसका निर्माण किया गया। और ये डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर होता क्या दोस्तों, मतलब कि रेलवे स्टेशन एक मतलब ये अपना जो रेलवे जो पटरी होती है, एक मजबूत पटरी होती है जो कि मतलब कि जो मालगाड़ी होती है उनको मतलब कि चलाने के लिए दोस्तों डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, ठीक है, एक तरह से मजबूत रेलवे पटरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। अगला जो अपना जिला होने वाला दोस्तों, अगला जिला हो जाएगा कोटपुतली बहरोड से संबंधित है, ठीक है, कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर संभाग से संबंधित है, और जयपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 जिलों की संख्या, ठीक है, जिसमें अपन अलवर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और दूदू भी दोस्तों आज देख चुके हैं, ठीक है,